हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। आई एम आदित्य और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे जीके एंड जीएस की एक सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ टॉप 700 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है। और इसमें हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो पॉलिटी, करंट अफेयर्स और बाकी जो भी सारे सेक्शंस हैं जीके एंड जीएस के, जैसे हिस्ट्री, उसके बाद जोग्राफी और जो भी सेक्शंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा इसके 6 लेक्चर वीडियोज आ चुके हैं ऑलरेडी। ये बायलिंगुअल सीरीज होती है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाता है। ये जो सीरीज़ है बीएचयू, एयू, जीएमआई, एएमयू, डीयू और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट हैविंग एनी फर्दर डिस्कशन हम इसकी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि हैदराबाद की जो है कैपिटल कहाँ पर है। तो आप सब ने बताया था उसकी 3 कैपिटल है, दैट इज़ यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम एंड अमरावती, और पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने कुरनूल भी बताया था। तो जो लोग भी ऐसे डिटेल वे में आंसर लिख रहे हैं, यू ऑल आर वेरी मच करेक्ट। और इसी के साथ साथ मैंने आप सबसे ये भी पूछा था कि यहाँ पे आपकी रशिया की करेंसी क्या है, तो उसका आंसर होगा रशियन रूबल। और उसी के साथ साथ आपका कैपिटल जो है वो साउथ अफ्रीका का, वो आपका केप टाउन है, प्रिटोरिया एंड ब्लोन फॉन्टेन, आपका ये 3 कैपिटल है। तो आप सबने बिल्कुल डिटेल वे में लिखा है, बस मुझे यहाँ पे एक ब्रीफ वे में आपको आंसर बताना था। सो मैंने आपका आंसर जो है वो बता दिए हुए हैं, ठीक है। और फॉर्मर नेम ऑफ एएमयू क्या था, वो तो आपका था मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये सारे आपके फैक्ट थे और आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो चलिए आज के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा इस जो वीडियो है यानी कि 7th पार्ट में हम जो है 20 क्वेश्चंस अगेन फिर से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इस सीरीज़ के 121 यानी 121वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज सीट मैक्स 20 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन अमंग विच कंट्रीज़। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास सीट मैक्स 20 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी, ये जो है ट्राइलेटरल है और ये इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में डिस्कस करा गया है, यानी कि एक्सरसाइज करा गया, एक्सरसाइज ये किया गया है या फिर इसका आयोजन किया गया था। अब आपको ये पता होगा यहाँ पे सिंगापुर के स्पेलिंग में SING रहेगा, उसके बाद जो स्पेलिंग है वो दैट इज़ वेरी मच करेक्ट। अब आपको ये जानना होगा कि सिट मैक्स आपको कैसे याद करना है, S से सिंगापुर, I से आपका इंडिया और T से आपका क्या हो जाएगा थाईलैंड। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है Who won the title of Deodhar Trophy 2019-2020? Deodhar Trophy 2019-20 का खिताब किसने जीता? The exact answer would be India B team, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा Recently Lunar Lake is designated as Ramsar site, ठीक है। It is situated on which river? हाल ही में लुनार झील को रामसार साइट के रूप में नामित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने आपके पहले के वीडियोस में बताया है, इसी सीरीज़ में बताया है कि भारत में कुल कितने रामसार साइट हैं, ठीक है। तो आप सबको बताना होगा कि भारत में एट प्रेजेंट कितने रामसार साइट हैं। इसी के साथ साथ हमने असम, कर्नाटका, तमिलनाडु सारे स्टेट्स के जो है वो अलग अलग जो आपके CM हैं, फिर आपके गवर्नर हैं, ये सारे चीज़ों को हमने डील करा हुआ है, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आप जो भी स्टेट्स में डिस्कस करूँगा आप एक लिस्ट बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि असम का डांस क्या है, आपका जो मेन डांस होगा आपको ये बताना होगा, कर्नाटका का मेन डांस क्या है, महाराष्ट्र का मेन डांस क्या है, तमिलनाडु का मेन डांस क्या है, आपको प्रमुख जो नृत्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। इससे हमारा आर्ट एंड कल्चर का जो एक सेक्शन है यानी कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नृत्य यानी डांसेस से, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ICC न्यू पॉलिसी व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अ प्लेयर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो है वो एक न्यू पॉलिसी आई हुई है और उसके अकॉर्डिंग जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज आपके लिए मैं टास्क काफ़ी दे रहा हूँ, आप जितना पॉसिबल होगा उतना ज़रूर लिखेंगे, दैट विल बी वेरी फाइन फॉर यू ऑल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 15 वर्ष, यानी कि किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने के लिए, तो वो होगी आंसर एग्जैक्ट आंसर 15 वर्ष, ठीक है। तो कितना होना चाहिए 15 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष की उसकी आयु न्यूनतम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई कॉलिंस डिक्शनरी। हमसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। तो एग्जैक्ट आंसर वुड भी इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा लॉकडाउन होगा, ठीक है। लॉकडाउन वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है वो डिक्लेयर करा गया है बाई कॉलिंस डिक्शनरी, ठीक है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
अब ये जान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर कौन है, तो वो है आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये क्या आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है। ठीक है, आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, तो वह आत्मनिर्भरता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020। निम्नलिखित में से किसने टेनिस, या फिर यूँ कहें कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता है। तो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी, तो ये आपका हो जाएगा डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, डैनियल मेडवेडेव। ठीक है, डैनियल मेडवेडेव विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर मॉस गार्डन इन इंडिया हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। 127वां प्रश्न हमसे ये कह रहा है इस सीरीज़ का कि भारत में पहला जो मॉस गार्डन है वो किस राज्य में स्थापित किया गया। द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी उत्तराखंड। ठीक है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड में स्थापित किया। मॉस जिसे हम काई भी बोलते हैं, बहुत आप सब सामान्य भाषा में जानते होंगे, इसे हम काई भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल राइट। इसी के साथ साथ एक आप ये भी काम करेंगे, आप गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के भी प्रमुख नृत्य आप लिखेंगे, आपके लिए आज ये टास्क होगा। सो आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड, या फिर प्राइज, किसे 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी रंजीत सिंह दिशाले। ठीक है, रंजीत सिंह दिशाले विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्हें जो है वो 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है, फिर यूँ कहें कि 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज से उनको नवाजा गया है, सम्मानित किया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रिसेंटली CM ऑफ मध्य प्रदेश अनाउंस्ड दैट 2 सिटीज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन इंडक्टेड इन द UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ सिटीज़। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के CM ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के 2 शहरों में यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है, शहरों के नाम क्या हैं। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग्स में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती हैं, बट बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हैं। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में H भी रहेगा आपका, इसको आप इंक्लूड कर लेंगे। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, तो आपको ये जानना होगा कि ग्वालियर और ओरछा को जो वहाँ पे इंक्लूड करा गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में इंक्लूड करा गया है। ठीक है, इट्स ऑल राइट। और हाल ही में धौलावीरा को भी, आपकी जो कि राजस्थान में पड़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, उसको भी जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में कितने जो है वो हेरिटेज साइट इंडिया में हैं। मैं आप सबको काफ़ी ज़्यादा टास्क दे रहा हूँ, बट डजेंट मैटर्स, आप इसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और इसी के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतर हो जाएगी। वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे ऑन विच डेट। हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि हम किस दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5th of December। ठीक है, और 10th of December को हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। उसी के साथ साथ 4th of November को क्या है हमारा, तो ये 4th of November को है हमारा इंडियन नेवी डे। ठीक है, इंडियन नेवी डे। ठीक है, इट्स ऑल राइट, फाइन। ये सारे फैक्ट है, हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, रिसेंटली नेपाल एंड चाइना अनाउंस्ड द रिवाइज हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंटेन एवरेस्ट, व्हाट इज़ द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। हाल ही में नेपाल और चीन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई की घोषणा की है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 8848.86 किलोमीटर, यानी कि 8848.86 मीटर्स। ठीक है, दिस विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है वो किस दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आपका 9th of December हो जाएगा। 10th of December हमने अभी डिस्कस किया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 4th of December को हमने अभी डिस्कस किया आपका नेवी डे पड़ता है, उसी के साथ 25 को आपका क्या पड़ता है, क्रिसमस डे पड़ता है। ठीक है, क्रिसमस। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9th of December। ठीक है, इट्स ऑल राइट, फाइन। विच स्टेट गवर्नमेंट विल चेंज द नेम ऑफ ऑल कास्ट बेस्ड कॉलोनीज। ठीक है, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सी राज्य सरकार सभी जाति आधारित कॉलोनियों का नाम बदलेगी, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका होगा महाराष्ट्र।
इसका व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और इसी के साथ साथ जो भी स्टेट्स बचे हैं उनके आप नृत्य जरूर आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली डन रेडिस क्रॉप प्रोडक्शन इन स्पेस स्टेशन, किस स्पेस एजेंसी ने स्पेस स्टेशन में सफलतापूर्वक मूली फसल का उत्पादन किया है। द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी आपका नासा ने ऐसा किया, ठीक है। नासा के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई आपको जानना होगा, 1958 में हुई, ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है। सो दिस ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। उसी के साथ साथ इस वीडियो में तो अभी और भी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में चीज़ें इतनी ही थी, ठीक है। सो हम और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको है, नेम द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट CEO ऑफ द WHO फाउंडेशन, ठीक है। हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। सो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अनिल सोनी, ठीक है। अनिल सोनी जो है वो वर्तमान में हमारे क्या हैं, जो WHO फाउंडेशन उसके फर्स्ट CEO हैं, ठीक है। के सीवन जी क्या हैं वर्तमान में, तो आपको पता होगा ये हमारे जो आपका इसरो है इसके चेयरमैन हैं। ओम बिरला हमारे क्या हैं वर्तमान में, तो ये हमारे हैं आपके यूँ कह सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हर्षवर्धन जी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले तक मंत्री परिषद में थे, अभी वो मंत्री परिषद में किस रूप में हैं या नहीं ये भी आपको कंफर्म कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हैं तो आप यस लिख के बताएंगे कौन सी मिनिस्ट्री में है, अगर नो तो देन इट्स ऑल राइट फाइन। आइए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, PM मोदी अनवील्ड हाउ मच रुपी क्वाइन ऑन द ओकेजन ऑफ सेंटेनरी इवेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। पीएम मोदी ने किस आयू कहें कि पीएम मोदी ने जो लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह था उसके मौके पर कितने रुपए का सिक्का का जो है वो अनावरण किया, या यूँ कहें कि खुलासा किया, खुलासा नहीं कह सकते हैं बट ये कहें कि उसका अनावरण किया, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 100, ठीक है। तो ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो 100 रुपी का जो है वो क्वाइन था, आपको वो जल्द देखने को भी मिल जाएगा। सो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चाइना इज़ गोइंग टू बिल्ड अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर, ठीक है। जो चाइना है वो किस नदी पर जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है, सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इस क्वेश्चन में इतना ही था, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स 2021। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार सर्विस का विषय क्या है, ठीक है। सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी रिकवर बेटर स्टेप अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये जो है इसका विषय था, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम फास्टेस्ट टू कम्प्लीट 22,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 12,000 रन पूरे किए हैं। जो एग्जैक्ट आंसर हुआ क्या होगा आपका इसका, तो है विराट कोहली, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका, विराट कोहली विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर 2020 पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 8,379 करोड़ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। हाल ही में दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने 8,379 करोड़ रुपए के रेलवे, या रेलवे नहीं है यहाँ पे मेट्रो रेल है, यूँ दोनों बातें की है बट मेट्रो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का उद्घाटन किया, या यूँ कहें कि किस शहर में किया। तो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आगरा, जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि आपको ये जो भी सेशन आप जो भी क्वेश्चन कराया जा रहे हो आपको समझ में भी आएंगे, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और इसी के साथ साथ जो भी आपको टास्क दिए गए हैं उसको ज़रूर फुलफिल करें, यानी ज़रूर उसको करें, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट, अगर आप वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो BHU पाठशाला पे आप इसको अवेल कर सकते हैं, और हमारे प्रीमियम कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पर, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।